बॉलीवुड में उस समय सभी के होश उड़ गए थे जब सबको पता चला था कि टाइगर श्रॉफ ने दिशा पटानी से ब्रेकअप कर लिया है। जी हाँ, इन दोनों के ब्रेकअप को पूरा एक महीना हो चुका है, जहाँ पर दिशा तो टाइगर के लिए बहुत ज्यादा सीरियस थी, पर टाइगर दिशा को कुछ खास सीरियसली नहीं ले रहे थे। दिशा टाइगर की वाइफ बनकर उनके साथ रहना चाहती थी, पर टाइगर का कोई मूड नहीं था दूल्हे राजा बनने का। और इसी के चलते इन दोनों ने अपने 6 साल के रिलेशनशिप को तोड़कर अपने रास्ते अलग कर लिए। पर एक तरफ जहां दिशा पटानी के चेहरे से ब्रेकअप का दर्द जा नहीं रहा, तो वहीं दूसरी तरफ टाइगर श्रॉफ अपनी नई गर्लफ्रेंड की तलाश में जुट गए हैं। जी हां, कॉफी विद करण में जब टाइगर से करण ने पूछा कि क्या आप दिशा को डेट कर रहे हैं या नहीं, तो ऐसे में टाइगर ने कहा कि दिशा हमेशा मेरी बेस्ट फ्रेंड रहेगी। फिर करण ने पूछा, आप दोनों हर संडे रेस्टोरेंट में बाहर स्पॉट होते हैं। टाइगर ने कहा कि हम दोनों को एक जैसा खाना पसंद है, इसीलिए। इसके बाद करण के सामने टाइगर ने अपना हाल दिल बयां किया, जहां पर उन्होंने कहा कि उन्हें हमेशा से श्रद्धा के लिए आकर्षण महसूस हुआ है। वो श्रद्धा को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, उनके साथ पले बड़े हैं और श्रद्धा के साथ उन्हें अपनी केमिस्ट्री भी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, श्रद्धा ने और टाइगर ने साथ में बागी की 3 सीरीज में काम किया है, जिनमें इनके बीच का जलवा दर्शकों को देखने को मिला। और अभी कुछ टाइम पहले ही टाइगर की लिंकअप की खबरें एक्ट्रेस आकांक्षा शर्मा के साथ भी सुर्खियों में थी, पर वो सिर्फ एक अफवाह थी। पर जब अचानक ब्रेकअप के बाद टाइगर का श्रद्धा के लिए अपना प्यार मीडिया में बयां करना, ये सिर्फ इतना ही दिखाता है कि टाइगर फिर से एक बार प्यार में पड़ने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, आपको श्रद्धा और टाइगर की जोड़ी कैसी लगती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह की तमाम वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।